एच के बलरामपुर दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखा हमला बोला और कांग्रेस पर शांतिपूर्ण फिजा को बिगाड़ने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की दिशा में काम कर रही है क्या? यही मुद्दा लेकर वो जाएंगे? वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख रही है। इधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया कि उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी ही जीती। पार्टी ने विधानसभा में भी पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाई, पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का क्या हस्त्र किया और दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का वही हस्त्र होने वाला है। रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ी है, दीपक बैज ये कह रहे हैं। बलरामपुर की घटना पर उन्होंने मांग की है कि मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग उन्होंने कर डाली है। बलरामपुर में बता दें कि थाने में एक महिला के लापता हो जाने पर उसके पति को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था, जहां पर पति के द्वारा बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली गई थी और उसके बाद हंगामा बहुत बढ़ा था। दीपक पैच ने इसी मामले पर निशाना साधा है। सरकार और जनता में विश्वास खत्म हो चुकी है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। इसलिए मेरा सवाल के साथ हमारी मांग भी है कि इस मामले को कौन जांच करेगा? क्या पुलिस प्रशासन जांच करेगी? क्या सरकार जांच करेगी? भरोसा नहीं है हमें। इसलिए हमारी मांगे इस मामले की जांच उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। रायपुर से खबर बता दें, कांग्रेस का मिशन उपचुनाव जो है इसमें रायपुर दक्षिण सीट के लिए कांग्रेस ने समितियों का गठन कर दिया है और इसमें अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी गई हैं। अमित श्रीवास्तव को भी जिम्मेदारी मिली है, वॉर रूम समिति की जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने समितियां बनाई हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए इन समितियों का गठन किया गया। कई सारी समितियां हैं।